अगर आपने भी ईयर पियर्सिंग कराई है और आपको टाइनी बम्स हो रहा है, पस निकल रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, रेडनेस हो रखी है, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो रखी है और बहुत पेन हो रहा है, ट्रस्ट मी आई कैन फील योर पेन। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो जब आती है जब हमें कन्फ्यूज़न होती है कि गोल्ड के इयररिंग्स पहने या फिर सिल्वर के पहने या फिर नेम स्टिक डाल दें, क्या करें। तो डोंट वरी, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं सारी कन्फ्यूज़न और सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगी ऑन द बेसिस ऑफ माई एक्सपीरियंस, गूगल एंड जिन्होंने मेरी ईयर पियर्सिंग की थी उनके सजेशन के बेसिस पे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है ईयर पियर्सिंग के ऊपर। जब मैंने अपनी ईयर पियर्सिंग कराई थी, ये दोनों तो उसका पूरा हीलिंग प्रोसेस मैंने उस वीडियो में शेयर किया था। बट स्टिल लोगों के बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे, बहुत सारी कन्फ्यूजन आती। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मुझे टाइनी बम्स को लेकर आते जो ईयर पियर्सिंग के जस्ट बगल में हो जाता है। आई नो बहुत डरावना होता है वो, उसको देख के ही बहुत डर सा लग जाता है कि क्या हो गया ये, क्या ईयर पियर्सिंग खोल दें या फिर कुछ। बट डोंट वरी, मुझे भी हो गया था और मैंने उसे हील भी किया है। बट उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, टाइनी बम्स होना बहुत नॉर्मल है। अकॉर्डिंग टू गूगल जब हमारी ईयर पियर्सिंग हील हो रही होती है तो उसी के रिस्पांस में टाइनी बम्प हो जाता है, वहाँ पे ब्लड क्लॉट हो जाता है या फिर एक्सेस ब्लड हो जाता है इसी की वजह से, बाकी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसे हील कैसे करना है ये देख लेते हैं। हीलिंग बहुत सिंपल है, आपने जो भी ईयरिंग पहनी है उसे आप निकाल दीजिए, नीम की स्टिक डाल दीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल। देन आपको क्या करना है, आपको स्लाइन वाटर लेना है और उसी से उसको वॉश करना है, थोड़ा वार्म होना चाहिए। पूरा प्रोसेस बहुत अच्छे से मैंने फर्स्ट वीडियो में बता रखा है तो आप उससे रेफरेंस ले सकते हैं। बस यही करना है आपको, और याद रखें उसे टच ना करें। आप टच नहीं करेंगे ना, ट्रस्ट मी वो जल्दी ठीक हो जाएगा, ऐसा कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है टाइनी बम्स होना। सेकंड, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो गन शॉट को लेकर पूछा जाता, क्योंकि मैंने अपनी फर्स्ट वाली वीडियो में साफ मना किया था कि गन शॉट से पियर्सिंग मत करवाना। तो लोगों के यही डाउट छोड़ रहे कि दीदी हमने तो गन शॉट से करवा लिया अब क्या करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इतना कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, जब भी हम गन शॉट से ईयर पियर्सिंग कराते हैं तो हीलिंग प्रोसेस जो है, हीलिंग टाइमिंग जो है वो थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाता है। नीडल के केस में वो जल्दी हील हो जाता है और गन शॉट में थोड़ा और टाइम लगता है, नंबर वन। नंबर टू, टिश्यू डैमेज होने के चांसेस होते हैं, इसीलिए मना किया था। तो अगर आप करवाने की सोच रहे हैं तो नीडल से करवाएं, बट अगर करवा लिया है तो कोई बात नहीं, इतना कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हील हो जाएगा अगर आप प्रॉपर केयर करेंगे तो, जैसे मैंने फर्स्ट वाली वीडियो में बताया था वैसे। थर्ड, लोगों के ये डाउट्स आ रहे थे कि दीदी हमारी ईयर पियर्सिंग को तो बहुत टाइम हो गया, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, अभी तक हील नहीं हुआ, अभी भी पेन होता है, क्या करें, बंद करवा दें क्या। तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो ईयर लोब की पियर्सिंग होती है उसे अप टू 6 वीक लगते हैं हील होने में, बट ये जो कार्टिलेज पियर्सिंग होती है, ये जो ऊपर वाली पियर्सिंग, इसे 4 महीने से 1 साल लग जाता है हील होने में। तो अगर आप इस टाइम फ्रेम में हैं कि आपको ईयर पियर्सिंग करवाए हुए 2 महीने 4 महीने 6 महीने हो गए और हील नहीं हो रहा है, तो डोंट वरी, हो जाएगा हील, टाइम लगता है क्योंकि यहाँ की जो स्किन होती है यहाँ पे अलग होती है और यहाँ की जो स्किन होती है सॉफ्ट होती है, तो ठीक है हील होने में टाइम लगेगा बट हो जाएगा हील। नेक्स्ट, हमारे पास तो सी सॉल्ट नहीं है, क्या हम सेंधा नमक यूज़ कर लें या फिर जो हम घर में नमक खाते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर काला नमक यूज़ कर सकते हैं क्या हम? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, टिक्की चाट थोड़ी बना रहे हैं। सी सॉल्ट मीन्स सी सॉल्ट ही चाहिए आपको, सॉरी टू से बट आपको सी सॉल्ट लेना ही होगा, इसका कोई और रिप्लेसमेंट मुझे भी नहीं मिला। मैंने उसको खुद ढूंढने के लिए बड़ा ट्राई किया अपने आसपास बट कहीं नहीं मिला, ऑनलाइन ऑर्डर किया है। तो अगर आप चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से ले सकते हैं। नेक्स्ट, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं पेन के रिगार्डिंग, कि बहुत पेन हो रहा है दीदी हमें, हमारे ईयर्स बिल्कुल रेड हो गए हैं, स्वेल हो गए हैं, क्या करें। तो सच बताऊं तो मैंने भी बहुत सारी चीज़ें ट्राई की थी, लाइक सरसों का तेल, हल्दी, घी, सारी चीज़ें ट्राई की थी बट किसी से रिलीफ नहीं मिल रहा था। मुझे तो रिलीफ बीटाडीन से ही मिला था, जो मैंने उस वीडियो में भी आपको बताया हुआ है, वो बेस्ट है, एक बार आप ट्राई कीजिए। वैसे भी जब इतने पैसे लगा ही दिए हैं तो थोड़े और सही, थोड़ा और पैसे फूंक दीजिए, आखिर ईयर पियर्सिंग करवाई है और हील भी करना है ना, ठीक हो जाएगा यार, एक बार लगाओ तो सही। अब इन शॉर्ट मैं आपको बता देती हूँ कि आपको करना क्या है। अगर आप उस 20 डेज वाले फेज में हैं कि आपने रिसेंटली ईयर पियर्सिंग कराई है और उसको कैसे हील करना है, कैसे क्योर करना है, अगर उस फेज में है तो उसके लिए मेरी ये वाली वीडियो देखिए, बेस्ट है। मैंने उसमें वो 20 डेज कैसे केयर करना है ना बहुत अच्छे से बताया हुआ है। बट अगर 20 डेज से एक्सीड हो गया है, मींस 2 महीने हो गए हैं, 6 महीने हो गए हैं, 8 महीने हो गए बट आपकी ईयर पियर्सिंग अभी भी हील नहीं हुई है, अभी भी आपको पेन होता रहता है, पस निकलता रहता है, ब्लड निकलता रहता है, तो बस इसका एक सॉल्यूशन है, जो भी आपने ईयरिंग पहनी है, चाहे वो गोल्ड है, सिल्वर है, या फिर आपने जो गन शॉट के टाइम पे जो निकल वाली ईयरिंग पहनी थी वो है, उनमें से किसी भी मेटल की ईयरिंग है उसे निकालिए, नीम स्टिक डालिए और उसे भूल जाइए। सच में आपको भूल जाना है कि आपने ईयर पियर्सिंग कराई थी। अब ऐसा क्यों करना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। जब भी आप ईयर पियर्सिंग कराते हैं तो ये समझ लीजिए कि एक खुला घाव है, बिल्कुल खुला हुआ घाव है। अब हम क्या कर रहे हैं, अपने गंदे गंदे हाथों से, मान लिया आपके हाथ गंदे नहीं है, हमें दिख थोड़ी रहा है कि इसमें बैक्टीरिया है या फिर क्या है, हम उसी से टच कर रहे हैं, गंदे पिलो पे लेट रहे हैं, उसी ईयर पियर्सिंग पे लेट जा रहे हैं, बाल फंस रहे हैं, इन्हीं सारे कारणों की वजह से ही हमारी ईयर पियर्सिंग हील नहीं होती है। अगर आप उसे टच नहीं करोगे तो इन्फेक्शन नहीं होगा, इन्फेक्शन नहीं होगा तो जो भी पस या फिर टाइनी बम या फिर जो भी हुआ है
हमारी बॉडी खुद उसे अपने आप हील कर देगी, आपको बस इसे छोड़ देना है। आपने नीम स्टिक डाली, छोड़ दीजिए, भूल जाइए कि आपने कुछ करवाया है, ठीक हो जाएगा। सच में मैंने भी ऐसे ही ठीक किया है। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो। तो ठीक है यार, आपने कान वान तो ठीक कर लिया अपना। अब अगर आपको ग्लोइंग स्किन चाहिए या फिर बाल अच्छे चाहिए तो ये वाले वीडियो ज़रूर देखना।